हम सबसे पहले बात करते हैं अशोक चौहान की मुंबई मेट्रो में, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कांग्रेस छोड़ने के करीब 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी का हाथ थाम लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा का टिकट दे सकती है। चौबीस घंटे तक अशोक चौहान और देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा अलग अलग थी। दोनों दो धुरी पर थे। 24 घंटे के अंदर दोनों की विचारधारा भी एक हो गई और दोनों साथ खड़े भी हो गए। कांग्रेस छोड़ने के चंद घंटों के भीतर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के एक बड़े ही कद्दावर नेता, जो कई बार महाराष्ट्र के विधानसभा में, देश के लोकसभा में चुनकर आए, अलग अलग विभागों के मंत्री के रूप में काम किया, महाराष्ट्र में दो बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ऐसे अशोकराव जी चव्हाण सर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। सबसे पहले तो ये फैसला आसान नहीं था, बिल्कुल था। इट वॉज अ टोटल स्विच ओवर, चेंज ओवर, और ये करने के लिए काफी विचार विमर्श करना पड़ा। ये मैं जरूर कहूंगा कि इट वॉज नॉट इजी डिसीजन फॉर मी, बट आई टुक इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द इंटरेस्ट ऑफ माई ओन डिस्ट्रिक्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस नेशन। मैं बोला कि कुछ चीजें अच्छी हो रही थी, उसमें अपना योगदान होना चाहिए, पॉलिटिकल भले जो भी चीजें हैं, बट लेट अस गेट इन्वॉल्व इन टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें समय लगा है, इट वॉज नॉट अ वन डे स्नैप डिसीजन। राज्य के बीजेपी में आए तो सामने मौजूद मीडिया को संबोधित करने का मौका भी मिला, लेकिन कांग्रेस की आदत कहां छूटने वाली थी। बीजेपी दफ्तर में बैठने के बावजूद जुबान पर कांग्रेस आ ही गई। महाराष्ट्राच्या भाजपाचे अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, मुंबई कांग्रेसचे अध्यक्ष मुंबई भाजपचे देवेंद्र फडणवीस ने फौरन टोका, तब बोले कि 50 साल की आदत पहली बार में कैसे छूटेगी। बहरहाल बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक चौहान ने कहा कि वो पीएम मोदी की अगुवाई में देश के विकास के लिए काम करेंगे। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है, और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में, नई शुरुआत जब कर रहा हूँ, तो मैं इसी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी को, जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैं बड़े से बड़े पद पर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, मैं देश की मुख्य धारा में मोदी जी के साथ योगदान देना चाहता हूं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रवेश कर रहा हूं। अशोक चौहान कह रहे हैं कि विकास के लिए काम करेंगे, भविष्य के लिए काम करेंगे, लेकिन सवाल ये कि बीजेपी उन्हें देगी क्या, कि अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। ये ऐसा है कि मेरा पर्सनल डिसीजन है, और मुझे लगा कि यहाँ पर नई शुरुआत करनी चाहिए, फ्यूचर है। अशोक चव्हाण जी दो बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका रोल क्या होगा इस बारे में केंद्र सरकार, केंद्रीय बीजेपी के साथ चर्चा करके हम तय करेंगे, क्योंकि अशोक जी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये राज्य के लिए तो एक बहुत मजबूती की बात है ही, पर उनका जो कद है वो एक नेशनल स्टेचर का कद है, इसलिए केंद्रीय बीजेपी से बात होकर ही इसका फैसला किया जाए। पिछले एक महीने में कांग्रेस के तीन कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, अब बीजेपी को उम्मीद है कि अशोक चौहान के बाद कई समर्थक भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को मराठवाड़ा में फायदा होगा। भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ देने वाले, उनके प्रभाव से राजनीति करने वाले ऐसे कई कद्दावर नेता और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके प्रवेश के कारण महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मराठवाड़ा में
भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो महायुति है इसको निश्चित रूप से फायदा होगा। एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं, अशोक चव्हाण के अलावा कांग्रेस पार्टी से कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं जाएगा। कांग्रेस एकजुट होकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक चव्हाण के इस्तीफे से कांग्रेस को झटका लगा है और शायद यही वजह है कि उनकी एंट्री को बीजेपी बड़ी कामयाबी मान रही है। सूत्रों की माने तो अशोक चव्हाण को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के कोटे में 3 सीटें आती है। लेकिन अब अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी अब 34 सीट पर भी दावा कर सकती है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।